ताजे से ज्यादा फायदेमंद होती है घर में रखी रात वाली बासी रोटियां। इन बीमारियों में दवा का करती है काम, बेकार समझकर फेंकने वाले हो जाइए सावधान। बासी रोटी खाने वाले के आसपास भी नहीं भटकेगी ये खतरनाक बीमारियां। इन लोगों को बड़े बड़े डॉक्टर भी देते हैं बासी रोटी खाने की सलाह। नुकसान की बजाय तगड़ा फायदा करती है बासी रोटियां, बशर्ते रोटी बनने के इतने घंटों के अंदर करना होगा इस्तेमाल। वीडियो में जाने पूरी बात। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दें कि ताजी रोटी से ज्यादा फायदेमंद बासी रोटी होती है। ये आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर बासी रोटी हमारी हेल्थ के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने समय पहले बनी रोटी खानी चाहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो की शुरुआत करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके। और जिन घरों में जानकारी की कमी के चलते बासी रोटियों को फेंक दिया जाता है, वो भी इन बासी रोटियों के फायदों को समझ पाए, और तो और इन बासी रोटियों को खाकर वो अपना स्वास्थ्य भी बेहतर बना सके। दोस्तों, रोटी हमारी डाइट का एक जरूरी हिस्सा होती है। खास तौर से भारतीय खाने की थाली की बात करें तो उसमें रोटी के बिना खाना अधूरा लगता है। रोटी को आमतौर पर लोग सुबह के नाश्ते या लंच में खाना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप रोटियां बनाते हैं तो वो बच जाती है। कई लोग बची हुई रोटियों को फेंक देते हैं और जानवरों को खिला देते हैं। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो जानने के बाद आप बासी बची हुई रोटियों को गलती से भी नहीं फेंकेंगे। कितने घंटों पुरानी रोटी खा सकते हैं? बता दें कि ताजी रोटी से ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूम बासी रोटी में पाई जाती है। आप 10-12 घंटे बनी रोटी खा सकते हैं। जब रोटी इतनी देर तक रखी होती है तो उसमें RS यानी कि रजिस्ट्रेड स्टार्च बढ़ जाता है, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। कि लोगों को खानी चाहिए बासी रोटी? डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बासी रोटी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए रजिस्ट्रेड स्टार्च बेहद जरूरी होता है। ये शरीर में इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता है। पेट की समस्याएं, जिन लोगों को पेट की दिक्कतें हैं उन्हें भी बासी रोटी खानी चाहिए। इसे खाने से गैस, कब्ज और ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ ही ये डाइजेशन में भी सुधार करता है, वेट लॉस में होता है मददगार। बढ़ते वजन को काबू में रखने के लिए भी बासी रोटी खाना फायदेमंद हो सकता है। आपको बता दें कि ताजी रोटियों की तुलना में बासी रोटी में कैलोरी कम पाई जाती है, जिससे वेट लॉस कर रहे लोगों को मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। आपको बता दें कि बासी रोटी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ऐसे में डायबिटीज के रोगियों के लिए सुबह सवेरे दूध के साथ एक बढ़िया नाश्ता साबित हो सकती है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें चीनी डालने की भूल कभी नहीं करनी है। मांसपेशियों को बनाता है मजबूत। बासी रोटी में मौजूद न्यूट्रिशंस वर्कआउट करने वाले लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। खास तौर से जब रोटी गेहूं से तैयार की गई हो तो इसको सेवन करने से मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और इसे दूध के साथ डाइट में शामिल करने से भी फायदे दो गुने हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।